नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और इस खुशी के मौके के ऊपर आज हम ये खसूसी प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम आम तौर पे जिस तरह हमारे करंट अफेयर्स के जो शोज़ होते हैं ये वो नहीं होगा, इसमें गपशप होगी। सिर्फ दोस्त यार आपस में बैठे हैं, आप समझ लीजिए कि इस महफिल का आप भी हिस्सा हैं। और मुझे ईद के जो शोज़ होते हैं उसमें एक बात की बड़ी खुशी होती है, एक चीज़ की, कि आम तौर पे हम आपके सामने वो डिस्कशंस कर सकते हैं जो आम तौर पे जब हम लोग वैसे प्राइवेटली बैठते हैं तो यही डिस्कशंस होती हैं। कोशिश होगी कि वही चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। मैं जानता हूं वो सारी की सारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब लोग जो है अपने आप को सेल्फ सेंसर भी करेंगे, ये सारी वो बातें आपके सामने नहीं करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम आप तक तकरीबन वही गुफ्तगू जो है पहुँचा सकें। तो अपने दोस्तों का, अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन महर बुखारी साहब। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लेकर आएँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दोस्त भी, बड़े भाई भी और सीनियर तजियाकार भी, इरशाद भट्टी साहब। बड़े बड़े भाई का निकाल दें, छोटे भाई हैं आप। मेरी मार्केट है यार, आप तो शादीशुदा लोग हो, मेहरबानी करो। कितने को छोटे हैं आप मुझसे? कब मेरा आईडी कार्ड बना था महर? दो साल हुए। यही बड़ी रहेगी। अच्छा, मैं बाकी इंट्रोडक्शन करा लूं यार, जरूर। तो कोई वो अतर है और फलक नाज है, और सॉरी किरण नाज है। नहीं, मैं फिर भी कराऊंगा। हमारे साथ अथर काजमी साहब मौजूद हैं। ये अच्छा बता दीजिए, अभी रोजनामा और भट्टी साहब को वायरल होने की आदत हो गई है ना, पहला नाम इन्होंने गलत लिया तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि मुझ पे भी वायरल हो जाए। नहीं नहीं, नहीं होने वाले, हमेशा वायरल होते हैं। आप अपनी कोशिश करें दुकान बढ़ाने की। भट्टी साहब, आपने तो शुरू मुझसे कर दिया है। किरण नाज साहब। अच्छा, वैसे तो एक रिवायती सवाल होते हैं जो पूछे जाते हैं हर ईद शो के ऊपर, बताइए फिर ईद का दिन कैसे गुजरता है? आई डोंट वांट टू आस्क दैट, मैं नहीं पूछना चाहता, मुझे बड़ा बोरिंग सा सवाल लगता है। सारे बरखा में सो रहे होते हैं, नींद ही पूरी करते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं, मेरी तो भरपूर कोशिश होती है कि नींद ना पूरी हो रही हो सुबह सुबह। हाँ, बिकॉज हम लोग बड़े होते हुए हमारी ईद बड़ी ज्यादा ट्रेडिशनल और उस तरह से गुजरी थी कि यू नो सुबह उठ के आदमी जाए नमाज पढ़ने अपनी मस्जिद, और बच्चियाँ उठती हैं, तैयार होती हैं, मेहंदियाँ लगाई होती हैं रातों को। तो सुबह उठ के हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता था, मेरी मेरी नानी हाथ चूमा करती थी बच्चियों के। अच्छा। फिर मेरी वालदा चूमती थी। नानी मेरी फौत हो गई, वालदा मेरी बीमार है, मगर हम लोग ये ट्रेडिशंस कोशिश करते हैं कि ये कैरी ऑन हो। अंदर की खबर बताएं, वो काशिफ भाई को पुश करना पड़ता है या ऑटोमेटिक पे चलते हैं ईद वाले में? या ना पूछे, ये आप चला नहीं सकेंगे। नहीं बताया, आप वो कहते हैं आपके घर की रिवायत है, आप बरकरार रखें, मैं सो के उठूंगा 12 बजे। ये बड़ी मुझे ये पता लगता है अंदर की खबरें, वरना हम लोगों के बारे में लोग नहीं, मेरा मतलब है कि फिर मैं बच्चों के ऊपर जोर चलाती हूँ, उधर डंडा चलता है जरा, उठे यार, तैयार हो। नहीं, लेकिन वो काशिफ भाई के बारे में, क्योंकि ये बड़ा अच्छा मौका है कि आपसे ना अंदर की खबरें मिले, वो कपड़ों की तैयारी शैयारी होती है पहले या ठीक है यार कर दो जो भी शलवार कमीज? नहीं नहीं, लेकर आते हैं, लेकर आते हैं, खुद लेकर आते हैं। उनकी 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 वालदा उनके लिए हमेशा मंगवाती थी, सो इट वाज अ वेरी वेरी वी लॉस्ट हर, उनका भी तीसरा साल है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो मैं ले आती हूँ, मगर वो होता था कि पहले आता था, दोनों भाइयों का आता था, स्त्रियों के लगता था, तो मैं ले आती हूँ। भट्टी साहब, मैं चाहूंगा कि जरा थोड़ा सा तपसा इस ड्रेस के ऊपर। पहले मैंने चाह रही हूँ, मैं काशिफ के लिए ये लेकर आऊँ ईद पे, ये कहाँ से मिलता है? इसके साथ मेरे ख्याल में ऑक्सीजन मुझे लग रहा है कि अगर भाई जिस तरह नहीं नहीं ये मैंने होता है, आप साहब आप जेलस हो रहे हैं, आप जेलस ना हो, अल्लाह आपका भला करे। अच्छा, ये हाइब्रिड निजाम है, हाइब्रिड आउटफिट है, इट्स गोइंग विद द टाइम्स। हां, और बल्कि थोड़ा सा आगे टाइम्स, नहीं नहीं, गोइंग विद द टाइम्स एंड मुताबिक, बिल्कुल। तो थैंक यू, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने काशिफ के लिए ईद जोड़ा लेना है, कहाँ से मिलेगा? अरे मैं ये एक ही बनाया था, और जिस बंदे को जिसने बनाया था वो अभी अच्छा, आपका नाम भट्टी साहब है? भट्टी साहब, ऐसे बताइए, ये आपने खुद डिजाइन किया या किसी ने डिजाइन किया या आपने बनाया लिया? नहीं, खुद डिजाइन किया। आपने खुद डिजाइन किया? अच्छा, वैसे इस सूट की अच्छी बात ये कि इसका डिजाइन खराब नहीं हो सकता, इसलिए बना हुआ ऐसा है कि इससे ज्यादा क्या खराब हो। इस मुल्क में हाइब्रिड किस्म की कोई चीज खराब हो सकती? नहीं हो सकती। सदाबहार, सदाबहार। किरण, आप बताइए, यहाँ पे वो जिस तरह महर बता रही हैं कि मैं लोगों को धक्का देती हूँ और करना पड़ता है, बच्चों के ऊपर भी पुश करती हैं, आपके यहाँ भी ये हिसाब किताब है? मुझे लगता है ये जो बात है ना सोने वाली,
ये वो फ्लेक्स मारने के लिए होता है ना कि हम तो सोते रहते हैं। अच्छा। मुझे वो वाली चीज़ लगती है क्योंकि सबके घर में साल में एक बार एक इवेंट आ रहा होता है, तो मुझे तो लगता है सबके घर में, क्योंकि मेरे अपने घर में भी सारी भाई मीठी ईद, खवातीन की ईद जो होती है वो मीठी ईद होती है और छोटी ईद, और जो मर्दों की ईद होती है वो गायें बकरों वाली ईद होती है, खवातीन की तो मीठी ईद होती है। ये क्यों भाई, हम को ज़िबा करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कुर्बानी में, हम कसाई के 10 दिनों में। ये भी जेंडर डिस्पैरिटी, आखिरी इतला आने तक आप मर्द ही थे, तो ये क्या कि मर्द औरतें जो हैं वो बड़ी मीठी मीठी, तो मर्द जो हैं वो बकरे। चले मुझे बताएं, चांद रात में मर्द वो मेहंदी लगवाने जाते हैं? मैं लगवाता हूँ, आप मेहंदी? हाँ हाँ, आप मेहंदी लगवाते हैं? फिर मैंने गलत? नहीं नहीं, बहुत सारे लोग लगवाते हैं। मुझे नहीं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लगवाएं। पैरों पे भी लगवाते हैं लोग, हथसारों पे लगवाते हैं, मैं हाथों पे लगवाता हूँ। अच्छा चलें, अब अच्छा साहब, आपकी तो ईद बहुत सी पाकिस्तान से बाहर भी गुजरी। अब गुज़िश्ता 24 साल से तो तकरीबन सारी ईदें कोई बहुत कम ही होती है। अच्छा वैसे भी टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो कोई 15 साल से कभी ईद पे नए कपड़े भी नहीं लिए, जो पड़ा होता है वही पहन लेता हूँ। तो मुझे वो इतना ऐसा क्या हो गया यार? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं वैसे भी क्या दुख है, क्या दुख लेके फिर दुख कोई भी नहीं साल से जवान बच्चे ले लेते हैं, बेगम साहिबा ले लेती हैं, पर मुझे कुछ नहीं होता कोई ऐसा कि कोई नए कपड़े पहनने या कोई तैयार होना है। नहीं तो मैं आपकी बेगम से मिली हूँ, बेहतरीन खातून मुझे लगी है, वो भी आपको नहीं लाके देती हूँ कुछ? नहीं वो तो लेके आती हैं, कहती हैं आप इनसे बात कराएं एक दफा, आप इनसे एक दफा बात करें। आप पहनते नहीं हैं, आप पुराने ही पहनते हैं। नहीं वो असल में होता है कि आप उधर जब आप हो किसी बाहर के मुल्क में हो, इतने ज्यादा लोग तो होते नहीं कि आपने जाना नया जोड़ा पहन, और वहां पे तो डेली रूटीन चल रही होती है, डेली रूटीन चल रही होती है, छुट्टी भी नहीं होती, तो एक ये भी है। और वैसे भी मेरे ख्याल में खुशी हो जाए गमी हो जाए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्राइवेट आदमी हूँ, मैं अगर मेरा कोई टेलीफोन भी रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो भी बड़े खुश होंगे, इसलिए कि दिन में मैं एक दो कॉलिंग किसी को करता हूँ, तो मैं वो ज़्यादा वो नहीं। अगर से क्या मुराद है आपकी? मैं ऐसी बात हो रहा होगा अगर से क्या मतलब तो ये है कि आम दिन की तरह गुजरता है, पर ऑब्वियसली अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम, कोई नथिंग स्पेशल टू। अच्छा महर ये बताइए कि आपको ईद वाले दिन लोग विश करते हैं, जाहिर बात है, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको विश किया हो, बहुत बड़ा नाम पॉलिटिशियंस में से, जो आप कभी एक्सपेक्ट भी ना कर रही हो कि अच्छा वो इनका भी मैसेज आया, बड़ी बात है। यू नो फॉरवर्ड्स आते हैं ईद के, भरमार लग जाते हैं। That kind of a noise. Exactly. Like, at least तीन लफ्ज खुद लिख के भेज दें भाई, आप ईद मुबारक, वही चीज आगे फॉरवर्ड्स एंड नहीं, लेकिन किसी पर मतलब बिलावल भुट्टो, इमरान खान, मरियम नवाज, नेवर। आपको आए किसी ने? किसी ने नहीं किया आपको? करते नहीं, मुझे तो नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, शायद आपको आया हूं। नहीं मुझे क्यों आया, मुझे भी नहीं आपको नहीं आया? नहीं मुझे भी कभी नहीं आया। बट जब मुझे याद है, पता नहीं ये छोटी ईद थी या बड़ी ईद थी, तो इमरान खान साहब का मैसेज आया। अच्छा हाँ, ईद मुबारक। अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईद मुबारक आए, और उन दिनों ताज़ा व्हाट्सएप उनसे मैंने लिया हुआ था, कि उसके बाद अल्लाह उनका भला करे, उनकी मुश्किलें आसान करे, उन्हें ब्लॉक भी किया कई मरतबा, लेकिन आपको ब्लॉक किया? हाँ। इमरान खान साहब ने आपको ब्लॉक किया? कितने पैड़े दिन आगे बढ़े। एक मैंने ट्वीट किया था, ट्वीट नहीं बल्कि एक थी कि जिसमें मैंने कहा कि बहुत महंगाई हो गई थी, गुर्बत, वो जो एक चला हुआ था बुजदार, तो वो सारा इकट्ठा, तो मैंने कहा कि आप तो लोग कह रहे हैं कि वो 92 का वर्ल्ड कप वापस ले लें, मेहरबानी करें। तो उसको वो वीडियो भेज के ना, तो थम्स डाउन करके तो ब्लॉक कर दिया। ओहो, तो अभी भी मेरे पास वो उसका पड़ा हुआ था। अच्छा तो वो लेकिन फिर अनब्लॉक हुए आप? हाँ, उनका ये है, ही इज इनसाइड आउटसाइड है ही, इस तरह के जो फॉरन हुआ फॉरन कर दिया, मिस ना पान नहीं करते मेरे। अच्छा, अच्छा। तो कमाल है ना वैसे कि बंदा अनब्लॉक और अनब्लॉक, ज्यादातर गुस्सा चढ़े तो बीवी या खामद कोई करता है। हाँ। नहीं उनका ऐसा रिश्ता होगा ना? हाँ। नहीं मतलब करीब, कहने का मतलब है कि एतमाद। अब आगे ये नहीं बताना बीवी कौन थी और खामद कौन था, ये आप दोनों के आपस की बात है, ये बने बताना। अच्छा तो वो फिर, अच्छा मैंने भी थोड़ी देर बाद ना एक्साइटमेंट में फोन कर लिया, वो कहते तुम्हें भी चला गया। हाँ मैंने कहा मुझे भी आ गया, मैंने कहा ईद मुबारक टू यू टू। मैंने 2018 के इलेक्शंस के बाद ना, जब बिल्कुल इलेक्शंस के फौरन बाद मुझे खबर मिली, वो ये है कि जब कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी सीटें जीत गई, तो उसके बाद इन लोगों ने एक अपना एक पूरा खाना किया था, जिसमें सारे विनर्स जितने भी थे उनको बुलाया था,
तो वहां पे कराची से एक साहब थे जो इलेक्शन जीत गए थे, तो वो जब आए खान साहब से मिलने के लिए, तुम भी जीत तो वो मुझे आपको जो है वो अच्छा वैसे भट्टी साहब आपके लिए एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, मौका अच्छा है तो मैं आपसे पूछ लूं। मुझसे उन्होंने पूछा आप कभी नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहब से मिले, आमने फेस टू फेस कभी मुलाकात हुई है? नवाज शरीफ से मिला था, मतलब इवन ही वाज ए सीएम पंजाब। अच्छा अच्छा, लाहौर में। ठीक, किरण आपको कोई सबसे बड़ा मैसेज ईद पे किसी पॉलिटिशियन का आया हो? वो वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इतना सारा रात से जैसे ही चांद नजर आता है ना, तो वो फोन का चांद भी निकल आता है। आपने मैसेज और उसके बाद नहीं, ना करती हूँ ना रिसीव करती हूँ। इसकी क्या वजह? क्योंकि वो फॉरवर्ड मैसेजेस तो आ रहे होते हैं, कहीं पर भी अलग से अगर कोई लिख कर दे दे ईद मुबारक तो चले फिर भी समझ आता है, लेकिन वो बाकी चीजों में बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है, फैमिली के साथ, बेटी के साथ। आपको कोई ऐसा ईद का मैसेज कभी आया है जिसकी वजह से घर में लड़ाई हो गई हो? तो आप क्या कर सकते, आप रोक तो नहीं सकते? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया, पर लगता है इस प्रोग्राम के बाद लड़ाई होगी घर में, इस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, माशाल्लाह बड़ा शरीफ बच्चा, बड़ा शरीफ बच्चा। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, अभी टोपी उतार दी है ना, जाने महज गाड़ी। वैसे आपको पता है मैं अपने मियां के मैसेजेस जरूर चेक करती हूं साल में एक बार। बहुत गलत बात है, ये क्या बात है, ये बहुत बड़ा इतराफ है, ये क्या बात है। लिटरली सो जाते हैं ना जब भी, मैं करती हूं बकायदा। हाँ, एवरीडे? नहीं नहीं, नॉट एवरीडे, सिर्फ ईद के दिन, जब आपको शक हो, साल में एक दफा हो सकता है कोई हो। नहीं तो ये इनसिक्योरिटी क्या है, मैं बताऊं, ये जो बात कर रही है ना, ये बुजुर्ग कहते हैं नजर रखनी चाहिए, ये कहते हैं, बट यू नो ऑनेस्टली, बट आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम इट्स नॉट वर्थ इट। फन करने के लिए, ताकि अगर कोई हो तो फिर मैं छेड़ूं। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, फन क्या? मैं तो आजकल अपने मियां को कह रही होती हूं कि दूसरी करते हैं, कोई मिलके ढूंढते हैं। अच्छा, ये एक मिनट भाई, ये जरा गौर से बात सुनो, सॉरी मिस, दोबारा रिपीट। मैं अपने मियां को आजकल कहती हूं कि दूसरी करते हैं, जरा शुगल लगा रहेगा घर में। हमारी भाभी मंसूर भाई वाली सुने, मतलब वो दुनिया किस तरफ जा रही है, उनका भी जवाब सुने, ये किस तरफ जा रही है, उनका जवाब सुने। वो कहते हैं कि इंसान जो है ना, वो गलती एक बार करता है। अच्छा, वो एक बार गलती कर चुके हैं और इस बार तो ब्लंडर किया उन्होंने। अच्छा नहीं यार, ये एक मिनट, आतर से तो पूछो कि इनके मियां, चलो जी नवाज शरीफ मैंने पूछ लें। अच्छा, आपके मियां भी आपका मोबाइल देखते हैं? मेरे भट्टी साहब जो है वो गलत रास्ते की, गलत रास्ते चले गए। नहीं, मेरा और इमरान खान का सही रास्ता था जो आपने चलाया। अगर कोई भी देखना चाहे तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, और मेरी वाइफ माशाल्लाह शी इज वेरी सपोर्टिव। और नहीं नहीं, मैं ये लोग जुमले अभी जो बात बता रहे थे वो बोलो। अच्छा अच्छा, लाइनें बिल्कुल, लाइनों में ना वो वाली टोन थी कि मेरा आज के बाद पीटीए और सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में मियां बीवी जब तक उनमें हमांगी ना हो तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, टू बी ऑनेस्ट। अभी क्या कह रहा था मंसूर भाई, अभी जो दो मिनट पहले जब बीवियों की बात हुई तो क्या कह रहा था, रो रहा था आंसुओं से, लेकिन बहरहाल चलो, मैं आप यहाँ पे बैठी नहीं थी, मैंने लेट आई है, लेट आई है। अच्छा चले अतर भाई, मैं एक डिफरेंट तरीके से सवाल आपसे कर लेता हूं। आप माशाल्लाह एक हैंडसम आदमी यार, खुद आगे माइक उतारिए। नहीं यार, कौन सा हैंडसम भाई, नहीं नहीं मानना पड़ेगा। देखे ना, माशाल्लाह हमारी दोनों जो बहनें हैं ये बेहतर हैं, लग रही हैं, क्या लग रही हैं, कहाँ से हैंडसम आ रहे हैं यार भट्टी साहब। मैं वो हैंडसम आदमी है, आपको चाहे बुरा लगे चाहे यार, खुद आके लिए भाई किस तरफ से। अच्छा, आपको इमरान खान ही हैंडसम लगता है, दुपट्टा कोई है पूछने दें। कभी इस तरह हुआ कि आपके जो है वो कुछ लगा इस तरह के जो आपसे रابطہ किया जा रहा है वो एक रेड लाइन उबूर हो रही है? नहीं, मुझे कभी, टू बी ऑनेस्ट, कभी किसी ने कोई ऐसे यार, बहुत ही बहुत ही परफेक्ट किस्म की जिंदगी है भाई आपकी, आप जानते हैं कोई रेड लाइन नहीं। नहीं नहीं, कोई ऐसे, टू बी ऑनेस्ट, कोई उबूर होना तो कोई इस किस्म का नहीं हुआ। देखिए, प्रोफेशनल रابطے सबके साथ आपके रहते हैं यार, बस कर दे, बोर ना कर, वही सुना दे जो उस दिन वो मुझे जियो के दफ्तर के बाहर सुना। मैं आपके साथ हुआ कभी इस तरह? क्या समवन यू फेल्ट के इज क्रॉसिंग द लाइन? ओह गॉड, सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नो, नेवर, आई विल टेल यू व्हाई। मैं बहुत सारी यंग बच्चियों को ये कहती हूं जो इस फील्ड में आ रही हैं, इंक्लूडिंग यू नो लॉट ऑफ गर्ल्स जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं एंड यू नो वो फेस करती हैं हैरेसमेंट। गेस को आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन जिन किस्म के लोगों के मैं नाम सुनती हूं कि उसने कोऑर्डिनेटर से कैसी कैसी बात की या क्या क्या बात कर दी या कौन सी लाइन क्रॉस कर दी, इट बैफल्स मी। सो एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मुंह तोड़ जवाब, उसी वक्त जवाब, खामोशी से नहीं लेना, बिकॉज इट्स हार्ड रियलिटी है, इट्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आदमियों को पता लग जाता है जिधर लाइन क्रॉस हो सकती है और जिधर नहीं हो सकती। मैन आर क्लेवर एंड इफ यू गिव देम अ पास दे विल गो थ्रू विद इट। भट्टी साहब, आपके लिए एक सवाल,
ये बताइए कि अगर आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिले, आपकी चूंकि मुलाकात नहीं हुई आज तक मरियम नवाज साहिबा से, और आपको 5 मिनट का टाइम मिले उनके साथ वन ऑन वन बैठने का, उस 5 मिनट में आप उनसे कुछ सवाल करेंगे या उनको कुछ सजेशन देंगे, क्या बात करेंगे? मैं बैठूंगा, बस चुप करके बैठा रहूं। क्यों? मेरी मर्जी, मुझे मिले 5 मिनट के, आपको मिले। नहीं, मुझे तो 5 मिनट से ज्यादा मिल चुके हैं, लेकिन आपको अगर 5 मिनट मिले, यू वुड आस्क अ क्वेश्चन, कोई इंटरव्यू करेंगे या आप उनको कहेंगे कि जी मेरे ख्याल में आपने ये काम बहुत गलत किया, आपको ये नहीं किया, कोई सजेशन देना? क्यों, मैं कोई पागल आदमी? क्यों, मैं बैठूंगा चुप कर। अच्छा, सिर्फ टीवी के कैमरे तो बैठ के करना होगा? हां नहीं, मैं आराम से बैठूंगा, 5 मिनट मिले उनको कहूंगा आप भी गुजारो, मैं भी गुजारता हूं। आप सिर्फ बैठे रहेंगे? हां, मैं बैठूंगा चुप करके देख। अच्छा, उसी तरह 5 मिनट खान साहब के साथ मिले फिर? वो नहीं चुप करके बैठेंगे। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब का है ये कि वो, यानी आप एक सवाल कर लो कि बस उसके बाद फिर सुनते ही रहो, नहीं तुम्हें नहीं पता। मेहर, आपको पूरी हमारी पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में क्या कोई ऐसा एंकर है जिसके शो में आप नहीं जाएंगे चाहे जो मर्जी हो जाए? नहीं, शो में नहीं आती बहुत दिनों से। नहीं आया जिस तरह ये पूछ रहे हैं ना, किसी से इख्तलाफ हो बहुत ज्यादा, मेरा नहीं है। मैं अमूमन ये भी बहुत कम पूछती हूँ और कौन आ रहा है, अनलेस यू नो आई वांट टू नो फॉर अ रीजन, मुझे नहीं, इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन कोई 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 भी ऐसा एंकर नहीं है आपके ख्याल में जिधर मैं ना जाऊँ जिसके शो, जो आप कहें कि नहीं नो मैटर व्हाट हैपेंस इसके शो में मैं नहीं जाऊंगी? नहीं, कोई भी नहीं। भट्टी साहब? नॉट एट ऑल, मैं तो सारों में जाता हूँ और मुझे अच्छा आदमी है, अच्छा भी लगता है। कोई ऐसा एंकर जो एक्चुअली आपको बुलाता नहीं है? कामरान खान शुरू में। अच्छा, हाँ, वो क्यों नहीं बुलाते? मैं भी शायद उन जैसे ही उतना ही बड़ा हूँ, इसलिए इनसिक्योर हो जाते होंगे। इनसिक्योर से क्या मतलब? कौन, कमरान खान साहब? आपसे इनसिक्योर हो जाते होंगे? क्या बात है, मेरी फीलिंग है, खुशफहमी रहने दे। मैंने तो कहा ही नहीं, आप खुद कह रहे हैं खुशफहमी है। अच्छा, वैसे गिनती अगर की जाए तो मेरे ख्याल में शाहजेब ने भी आपको बहुत कम बुलाया है शोज में। नहीं, काफी दफा। अच्छा, आप वहां पे ठीक है? काफी दफा वहां पे ठीक। हां, लेकिन आप काम, मेरे ख्याल में वो सारा वो जो बैलेंस है वो कामरान शाहिद के शो के साथ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो आपके तो गोस टू कामरान शाहिद शो ना, उधर तो ये को पायलट है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और क्वेश्चंस भी कर रहा दोस्त है, और उसके बाद एक काशिफ अब्बासी और कामरान शाहिद दो वाहिद हैं कि ये जिन्होंने रिपोर्ट कार्ड के बाद मुझे ब्रेक दिया, यानी मुझे ब्रेक दिया, ये तो शाहरुख खान हो गया ना, इसके और हो गया ना, डिस्कवर किया। क्या मुराद है यार? यार, एक एक्टर अगर अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करता है तो हमें जरूर ही वो रेडियो पे रखेंगे। अच्छा, दोबारा सुन जरा, लव चेंज कर दे, मुंह पक्का करके लव चेंज कर दे। ब्रेक दिया, मुझे लॉन्च किया। अच्छा, हुआ ये कि मैं इसका जो प्रोड्यूसर का मुक्सर कर, उसका फोन आया तो मैंने कहा किस इरशाद भट्टी को फोन किया? उसने कहा वही है ना रिपोर्ट कार्ड वाले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, सेम काशिफ, तो ये मुझे 7:30 भी बुला लेना दोनों, तो अगर मैं पहुंच पाता हूं तो चला। आपका अच्छी अच्छी बात है, आपका रिलेशन। और ये नहीं, इनके लिए मैं वैसे ही कि ये जाहिर है जब कोई नहीं बुलाता था उस वक्त इन्होंने बुलाया तो इट्स। किरण, आप कोई ऐसा गेस्ट, कोई, अब मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट कह रहा हूँ, कोई ऐसा गेस्ट या ऐसा तजियाकार या सियासतदान जिसके बारे में आपने फैसला कर लिया है कि इसको कभी शो में नहीं बुलाना? लगाना चाह रहे हैं नवीद के शो पे जा रहे हैं आप, लड़ाई हो जाए, आप जा रहे हैं आमने सामने लड़ाई हो जाए, ना आए सवाल आ जाए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको कॉल करें तो वो कहते हैं कि नहीं। अच्छा, वैसे लव लाइन के साथ बड़ा काम करते हैं हम लोग, सारे यहाँ पे मौजूद है, मेहर आप भी प्रोग्राम करती हैं, जरा आज जरा वो लिस्ट निकाल ही दें लोगों को, जरा बताएं कौन किसके साथ नहीं बैठता। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना? नहीं, किरण के साथ तो बहुत सारे ना बैठना चाहें क्योंकि सवाल बड़ी सख्त है। नहीं नहीं, हां ये वैसे मैं आपकी ये पॉलिटिशियंस की बात कर रही हैं, ये पॉलिटिशियंस कह रही हैं कि एक बंदा दूसरे के साथ नहीं बैठता। चलिए मैं ये चीज मजीद कह देती हूं, पीएमएलएन के लोग जब हुकूमत में आते हैं ना तब एंकराइटिस का शिकार हो जाते हैं। किसका? गर्दन में सरिये का। अच्छा, नहीं आते प्रोग्राम्स में? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो कहता है मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, चले मैं आई विल स्टार्ट इट। फिरदौस आशिकवान साहिबा जब थी ना यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट में, तो एक दफा मैंने ताउला ताड़ के साथ उनको बिठाना चाहा, उन्होंने कहा मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये है क्या, इसका तो ओहदा ही कोई नहीं, तो मैं नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। आज चीजें चेंज हो गई हैं,
ही इज द फेडरल मिनिस्टर और फिरदौस साहब कुछ भी नहीं निकाल तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर अब अताउल्लाह तारुण उनके बारे में कहें कि ये कौन है मैं नहीं बैठूंगा ऐसे ये बहुत सारे गेस्ट पूछते हैं कि पैनल कौन है और वो फौरन मना कर देते हैं कि आप हमें पहले रिकॉर्ड कर लें और सोलो चलाएं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये बातें करते हैं ये बात बिल्कुल सही है लेकिन वो फिर वो अच्छी बात नहीं है उनके राजों को अफशा करना नाज़रीन गपशप तो हमारी चल रही है लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक डोंट गो एनीवेयर नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे बस हल्की फुल्की गपशप चल रही है ईद के इस मौके के ऊपर आइए जरा कुछ और तीखे सवालात इन लोगों के सामने रखते हैं अतर आपको लगा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक बहुत डिबेट होती है और मैं इसलिए अब ये सवाल करने लगा हूँ कि डिजिटल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का ये जो एक आपस में चल रहा है आप भी दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं व्हाट डू यू थिंक आगे चल के 3-4 years डाउन द लेन डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस और बढ़ जाएगी या ये एक बबल था जो बर्स्ट हो जाएगा नहीं मेरे ख्याल में ये तो आप जैसे कहते हैं ना जब व्हील एक दफ़ा इन्वेंट हो गया तो वो तो घूमता ही रहेगा तो डिजिटल मीडिया तो एक्सपेंड करेगा अब हमने उसको किस तरीके से आगे चलाना ये हमारी अपनी वो है अगर जिस तरीके से इस वक्त जो एक्स वीपीएन लगा के आप इस्तेमाल करते रहे हालिया अरसे में ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं पर मुझे लगता है कि डिजिटल मीडिया की ग्रोथ तो फिनोमिनल है आलमी सतह पे भी उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है अब वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया से ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी आएगी 2010, 2011, 2012, 2013 वो टाइम और आज का टाइम आपके ख्याल में एंकर्स का वो जो एक लार्जर देन लाइफ एक वो इमेज होता था वो अब कम हो गया है या और मजीद बढ़ गया है डिजिटल मीडिया के आने की वजह से हर किसी का अपना अपना हो गया है अब एंकर अब ये हो गया है कि हर कोई कहता है कि जिस तरह अपना अपना सियासतदान है ना इसी तरह हर किसी ने अपनी अपनी वो उनको विंडो पे नज़र आ जाता है कि ये है इसको सुनना है वो बेहतर है दूसरा बेहतर नहीं है तो पोलराइजेशन भी वो नज़र आती है और दूसरा डिजिटल मीडिया की वजह से दीगर कैरेक्टर्स भी आपके सामने आए हैं और मीडिया की वो जो पहले बात थी ना अब मुझे नहीं लगता कि उस हद तक जो है वो मीडिया अपना वो क्लाउड क्रेडिबिलिटी तो होगी अभी भी है वो क्लाउड जो था ना जितना ज़्यादा पहले अब उतना ज़्यादा मुझे नहीं क्रेडिबिलिटी तो बहसीत कौम ही किसी की नहीं रहेगी बाई द वे वैसे कोई क्रेडिबल मुझे बताएं जिस पे पूरी कौम मुत्तफिक हो कोई एक हीरो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं नहीं बुरी बात है हर कौम का एक हीरो होता है जहाँ एक हीरो तो है हमारे जो फाउंडर हैं उनका उनके ऊपर तो कोई डिबेट नहीं है लेकिन महर जो वो चुके मैं सेम क्वेश्चन आपके ख्याल में आप सबसे चुके सीनियर हैं आपको लगता है कि एंकर्स की वो पहले एक जमाने में 10 एंकर होते थे 12 एंकर होते थे यही सारे टॉक शोज वगैरह कर रहे होते थे आज 150 एंकर बैठा हुआ 150 एंकर बैठ के प्रोग्राम्स करता है रात को 8 बजे 10 बजे के सारे प्रोग्राम्स वो बात अब खत्म हो गई है या अभी भी मौजूद है आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है अतर भाई की बीच में एक बड़ा लो पीरियड आया था वो इलेक्शंस के बाद मुझे थोड़ा रिवाइव होता हुआ दिखा है बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्पेशली एंड ऑल्सो देखिए ओवरनाइट आप लोगों का इधर इधर एंटरटेनमेंट का इतना फुकदान है फॉर द लैक ऑफ बेटर ऑप्शंस वी बिकेम स्टार्स ओवरनाइट यू नो पीपल थॉट ऑफ अस अ सेलिब्रिटीज मैं हमेशा ये बात कहती हूँ वी आर नॉट आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी माय वर्क इज आई एम नॉट अ स्टार आई एम अ जर्नलिस्ट आई एम नॉट सपोज टू बी अ सेलिब्रिटी तो ये बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ मगर उसके बाद बहरहाल लोगों का पॉलिटिकल रुझान और सियासी तरफ इतना ज्यादा ओपिनियनेटेड इसका भी क्रेड खान साहब को जाता है इतना ज्यादा शऊर बढ़ गया था कि एक बड़ी बहुत पीक भी देखी क्रेडिबिलिटी लॉस भी देखा उसके बाद भी आपने देखा कि वो एक पूरा जो टाइम गुजरा है जिधर हम नहीं खुल के बात कर सकते टीवी पे जो आप वीलॉग में कह सकते हैं आप इधर अपने शो में बैठ के नहीं कह सकते और लोग बड़े सियाने हैं बड़े तेज हैं उनको समझ अच्छा, आती है बात मेरे भाई वो टीम कह रही है कि इसके ऊपर बात मत करें ईद का मौका है तो ईद के ऊपर बात कर लेते हैं चलें कर लेते हैं भाई अच्छा ये क्या हाँ ये आपसे रिलेटेड ही सवाल बनता है कि इन अफराद के बारे में बताइए अगर ये एंकर ना होते तो क्या होते ओह माय गॉड काशिफ ही ऑलवेज डज दिस टू मी आई थिंक नो इट वाज यू या किसी और का शो था एंड आई गॉट इनटू सो मच ट्रबल आफ्टर दिस राउंड इंशाल्लाह यहां भी कोशिश होगी नहीं नहीं अगर ये एंकर ना होते तो क्या होते काशिफ अब्बासी लॉयर या आई एग्री जावेद चौधरी marketing head or a wholesale marketing head he's really good at selling things and convincing you jehdi tusi lai hai na yaar he's mere bhai hai maine lai nahi hai ye beech mein darar na dalne ki koshish karo theek hai mansoor insaan ke bachche ban jao aap dekh aap samajh nahi kahan se aa rahi hai bhai main generally kehti hu he's very convincing inka shukr ada kar inhone cheez nahi batayi
आपका मेहरबान यार, यू गाइस आर सच डर्टी माइंड्स, मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने मुस्बत तरीके से कहा, ये गंदे दिमाग है, मैं कुछ एडिट नहीं होने दूंगी, एडिट भी कुछ नहीं होगा, ये ऑन एयर जाएगा। आप उसी तरह कहते हैं, रोक बंद करें, एक मिनट बंद करें, बंद करें। हामिद मीर साहब, मीर साहब वुड बी अ हिस्टोरियन। ओ हाँ, आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल। सेम मौरख भट्टी साहब आपसे क्वेश्चन, कामरान खान साहब, कामरान खान साहब अगर एंकर ना होते तो क्या होते? बहुत बड़े हिस्से ये स्टॉक मार्केट के उधर और प्रॉपर्टी और यानी ये रियल स्टेट इनमें जाते। वो शाहजेब खान साहब, शाहजेब बहुत बड़ा इसके एक चेन होती जिम्स की, जिम की ट्रेनर ये वो सारा फिटनेस, और कुछ दो चार ड्रामे कर चुका होता फ्लॉप से। हैं फ्लॉप से? जाहिर है क्यों भाई, एक्टर उतना में भी अच्छा ना होता जितना अच्छा नहीं तो ड्रामे भी करने और फ्लॉप भी करवाने आपने, यानी जाहिर तो आपने ड्रामे करके हिट क्यों नहीं कराने? चलो भाई हिट किस्म के चार ड्रामे कर चुका होता, अगर आपने बोर ही करना है तो चलो चल लो। अच्छा मसला ये, इनको लगता है इनके सिवा कोई हीरो है ही नहीं, इनके लगता है गेम सिर्फ इनके पास है, गेम सिर्फ इनकी है और गेम किसी की नहीं है। जनाब स्पीकर ये जो मैं इनको कहा था कि ये आपने कहीं फिट करना है। नदीम मलिक साहब, नदीम मलिक साहब जनाबे अली मेरे ख्याल से इमाम मस्जिद होते। नाइस ये हाँ उनका है बड़ा मजहबी रूहानी बादशाही मस्जिद के होते। बेसिकली नदीम साहब जो हैं वो एनालिसिस पर तो शो नहीं करते, ज्यादा पॉलिटिशियंस ही बैठते हैं, मैंने हमेशा देखा है। मुझे लगता है एक मर्तबा ना, मुझे लगता है अल्लाह अगर भुलाए ना, अगर कॉमेडी शो करते हैं कमी बेशी माफ ना हो तो अतर तो कभी नहीं गया। तलत हुसैन साहब का बेसिकली वो शाहजेब वाली जो आपने बात की है ना, वो तलत साहब वो क्रिकेटर होते हैं, वो क्रिकेटर होते हैं, सबकी तरफ से एक मजमुआ आ गया तो तलत साहब को हम क्रिकेटर ही दे देते हैं। वसीम बदामी, वसीम वेरी गुड नाथ, हरफन मौला, हरफन मौला ये जो मेहर बात के सॉरी टू कट यू, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं इंडियन लंबी ना करना काफी ज्यादा जाता था और मकबूजा कश्मीर में ना लोग काफी ज्यादा वो मेरे व्लॉग्स वगैरह सुनते थे, मुझे मकबूजा कश्मीर से एक खातून ने क्या रिपीट करें नहीं आग लगाए उनका, हम जो इंडियन मीडिया पे जाते होते थे तो वो मकबूजा कश्मीर में वो चैनल सुनते हैं, वहाँ पे जो आवाज सुना मकबूजा में वो उनको पसंद करते होंगे लोग ऑब्वियसली, इसलिए कि हम इंडिया के खिलाफ बोलते थे। पर एनीवे उधर से एक खातून ने मकबूजा कश्मीर से एक दफा मुझे मैसेज किया कि मैं इधर से हूं और मैं वसीम बदामी की बहुत बड़ी फैन हूं। अच्छा। और आपने ये वसीम बदामी साहब को बताना है, पर मुझे ये 2-3 साल पुरानी बात है, मैं अभी तक नहीं बता सका, लेकिन आज अचानक जब मेहर साहिबा ने बात की कि जनाब वसीम की बड़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है तो उनकी वाकई जो है पूरी दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। आई एक्चुअली मैं उनको इस बात पे तंग बड़ा करती हूँ, नहीं होनी भी चाहिए। मुझे एक दफा एक्चुअली पता नहीं था, मैं आपको मजे की स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैं बड़े शादी के बाद अरसे तक कहती रही अपने खावन को कि मुझे मरी ले जाओ, मरी ले जाओ, और वो मेरा ससुराल है सारा, तो कभी उस तरह जाना नहीं हुआ। मैं देखना चाहती थी माल रोड एंड एवरीथिंग, और ही इज़ यू नो इज़ वेरी शाई ऑफ दीज थिंग्स, वो ही डजन लाइक क्राउड्स एंड बिजी जगह, तो वो अवॉइड करता रहा। सालों साल गुजर गए, फाइनली मैं मरी पहुँच गई किसी तरह उनके साथ, ठीक है। अब मैं बड़ी एक्साइटेड, अब उधर वाकई बहुत रश था और ओवरवेलमिंग किस्म का रश था, तो एक क्राउड था लड़कियों का दूर से, और वो दूर से देख देख के खीखी खूखी करती रही, ठीक है यार, यू नो यू गेट यूज्ड टू इट, इट्स फाइन, योर हस्बैंड इज ऑल्सो यू नो इज अ पब्लिक फिगर। And after 2 seconds, I looked at him. I said, "Yeah, why don't you go say hi? Or why don't they just come up? They're just doing khiki khaka for the last 20 minutes. I was getting irritated. So they finally came after half an hour. Okay, and then I moved with the kid side pe ke chalo baat kar le. But I moved kar hi rahi thi ke peeche se wo sari jab aayi, the first question they asked,
वसीम बादामी आए हैं, वसीम बादामी, मैं हंस हंस के उसी आई जस्ट फेल डाउन देयर, इट वाज सो फनी कि मैं तब से सोच रही हूँ, वो भी शायद सोच रहा है, मैं वसीम को भी ये बात बताई, वी ऑल हैड सच अ गुड लाफ, इट वाज एक्चुअली वसीम, दे केप्ट ट्राइंग टू पिन पॉइंट हिम कि ये आया है तो वसीम बादामी भी आया होगा, ये जहां जाते हैं साथ लेके जाते हैं, और मुझे तो फिर बाद में मैंने बड़ा इजीली आवा था वसीम को भाई, मुझे नहीं पता था, आई बहुत इजीली आवा था, मुझे तो बाद में पता लगा, आपको मार्केट का पता है, सॉरी बट आपकी चैलेंज है आपकी गेम को, नहीं मेरा ख्याल में आपने भट्टी साहब को भी बहुत लाइट लिया है, आपको भट्टी साहब की भी फैन फॉलोइंग का नहीं पता जनाब, मैं सबको लाइट लेने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे में मियां को सीरियस लेता हूँ, वो ही सीरियस लेना चाहिए बस। अच्छा जी, अच्छा साहब, बाकी जो एंकर्स हैं, उस... सवाल हो गया था अब हमारी तरफ, नहीं मैं नहीं किया भाई यार, ना करें, अच्छा यार आपने तो उन्हें सुना, वसीम का जवाब भी खुद दे दिया, बाकी जवाब भी खुद दे दिया, भट्टी साहब ने सबके ताल्लुकात बचा लिए, शुक्रिया अतर भाई। इकरारुल हसन, मेरे ख्याल में इकरार जो काम कर रहा है वो इकरार ही कर सकता है, क्यों, अगर वो ये ना कर रहे होते तो उसके अलावा भी वो ये कर सकते थे, इसलिए कि चीजें तो आप आपने देखा होगा हर मोहल्ले में इस तरह का एक बंदा होता है, वो बता रहा होता है, वो क्या बदमाश है, आपने क्या बना नहीं, दिया नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं बदमाश की बात नहीं कर रहा, जो चीजों को पॉइंट आउट करने यार ये अच्छा गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो मेरे ख्याल में किसी ना किसी कैपेसिटी में ऐसा ही कोई काम कर रहे होते। मोहम्मद मालिक साहब, वो मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेट होते। गरीदा फारूकी साहिबा, गरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो एंकर भी बड़ी अच्छी हैं और वो पॉलिटिशियंस भी हो सकती थी, मतलब किसी भी फील्ड में होती तो उन्होंने एक्सेल करना था। यार ये क्या, ये कोई जवाब तो नहीं है ना, मतलब खुल के मैंने आपसे पूछा उनका पेशा क्या होता अगर वो ये ना होती। हाँ, आई वुड से के खत्म शुद्ध क्राइम मैंने यहाँ पे खत्म शुद्ध कर दी, मतलब फारूकी मतलब अच्छी सियासतदान होती, अच्छी सियासत, आपने क्या उनके अंदर ऐसी खसूसियत देखी? मेरा ख्याल है कि एक तो बोलने का उनको पता है, बात करने का, ताल्लुकात बनाने का, आगे बढ़ने का, रास्ते निकालने का, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी सियासतदान है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेहर, पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा एंकर है जो आप समझती हैं, जिस तरह सियासतदान की बात कर रहे थे, कि अगर वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो तो वो चीजें ठीक कर ले? तो नहीं, मगर ये बता, बड़ा अनफेयर सा सवाल है, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गेट थ्योरेटिकल, बट ये सिस्टम ही इतना खराब हो गया है कि जितना भी अच्छा बंदा ऊपर बिठा लो ये आराम से सही नहीं हो सकता। यह पता, मैं हर एक में खसूसियत देख सकती हूँ, मैं कहती हूँ कि विल और नियत और फॉर इंस्टेंस के नहीं, चुप करें ना, जरूरी है, सच्चाई जो है फॉर इंस्टेंस काशिफ में है, मगर उसके अंदर वो, मैं ऑनेस्ट एक दो और का भी बताऊंगी, उस लिस्ट में आप नहीं आएंगे, मगर मगर क्या होता है उसके अंदर सुने, मगर काशिफ के अंदर वो ही कांट वर्क दैट हार्ड, जितना आपको एक वजीर आजम के लिए आपको नॉन स्टॉप काम करना है ना, वो अपना वीलॉग नहीं शुरू करते, मैं क्या क्या के थक गया हूं, ही वुड नॉट डू इट, ही वुड नॉट, हिज कप ऑफ टी। सेकंडली देन हु इज अ वेरी हार्ड वर्कर, शाज़ेब इज अ हार्ड वर्कर, कामरान खान, आई डोंट नो मैन, आई मीन हर एक की अपनी अपनी खसूसियत है, मुझे क्वालिटीज भाई एक वोट देना, आपने वोट देना, ये क्या बात हुई, आपने यू हैव टू वोट, यू हैव टू वोट फॉर वन गाय, बताएं कौन होगा जो वजीर आजम बन जाए, जो बन, अगर बन जाए तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए या कम अज कम बेहतर हो जाए, बेहतर हो जाएंगे, चलो आसान करो, ठीक तो कभी भी नहीं। मालिक या काशिफ, बाकी नाम दोनों नहीं, मालिक या काशिफ जी भट्टी साहब, आपके ख्याल में? मैम मेरे ख्याल से इनको इश्यूज की समझ, आपके अलावा भट्टी साहब, मेरे अलावा किसी में इतना टैलेंट नहीं भट्टी साहब, सीरियस, मैं सीरियस बता रहा हूं, सीरियस ही बताया यार, मैं सीरियस बता रहा हूं यार, कम ऑन भट्टी साहब, सीरियस ही बताया ना, आई एम सीरियस, मेरे अलावा किसी में टैलेंट नहीं। इरन आप बताइए, या वसीम या आप खुद, वसीम को जो दे दो उसने कर लेना होता है, तो इस नहीं, तरीके से मेरे अंदर वो उसको मुल्क दे दे, मैं बता रही हूँ, शुरू में करती तो ये इधर घूमते ही ना, ये वन ऑन वन शो शुरू हो जाता, मैं बताऊंगी आपको कि मैंने आपको क्यों कहा, वसीम को जो कुछ दे, बादामी, वसीम बादामी, वसीम ने सब कर लेना है और बेहतरीन कर लेना है, तो वो शायद मुल्क भी बेहतरीन चलाए, रमजान ट्रांसमिशन, स्पोर्ट्स शो, करंट अफेयर्स, इसके अलावा एंटरटेनमेंट आल्सो, और इसके अलावा दो तीन जो वो होस्ट करता है वो मैं और वो मिलके कर चुके हैं, वो बताने वाली नहीं। जो दे दे वो कर लेते तो मुल्क भी चला ही लेते। अतर भाई
बताइए कौन सा एंकर? कौन सा एंकर? मेरे ख्याल में कोई खातून एंकर होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि जो है ना मर्दों ने इस मुल्क का कोई हल निकाला। आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस बाय द वे व्हाइल यू वर सेइंग कि यू नो हमारी जितना भी विद इतनी ज्यादा चॉइसेस में से भी देयर स्टिल व्हाई देयर इज नो बहुत कम खवातीन है। जी जल्दी से नाम दे। मेरे ख्याल में महराना, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में महर यार ये आओ मैं बाइक उतारो। अच्छा डिलीट कर दें यार, ठीक है कि नहीं? और उसमें इसलिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे मसाइल हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हमें उस टच की जरूरत है कि जो डिटेल। अच्छा वैसे जाते जाते महर के बारे में मैं एक सिंस द डे आई फर्स्ट मेट हर तब से लेकर आज तक इनके अंदर से ना एक हेडमिस्ट्रेस वाली वाइब आती है और आती है, ये फैक्ट है। नहीं देखिए आपको गवर्नेंस के लिए ये जरूरी होता है, ये जरूरी होता है। थैंक यू सो मच महर भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। अथर भाई थैंक यू सो मच, किरण एक्सट्रीमली ग्रेटफुल आप शिफ्ट लेकर। नाज़रीन एक दफा फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप ये हमारी छोटी सी गपशप जो है वो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ही हम लोग गप्पे मारते हैं जब वैसे आप उसमें बैठते हैं, तो आज आपको भी हमने अपने इस गपशप का एक मेहमान बनाया। तो प्रोग्राम से अब तक लेता है, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।